अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं बात करूंगा YouTube ट्रेंडिंग पेज की कि YouTube ट्रेंडिंग पेज के ऊपर कौन सी वीडियो आती हैं, क्या आप अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग के अंदर खुद ला सकते हैं, YouTube को पैसे देके ट्रेंडिंग के अंदर वीडियो को लगा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं तो कौन से टॉपिक की वीडियो ट्रेंडिंग के अंदर आसानी से आती है, और क्या हर चैनल की कोई ना कोई वीडियो कभी ट्रेंडिंग में आती है या बस चंद सिलेक्टेड चैनल की वीडियो ही ट्रेंडिंग में आती है, और ट्रेंडिंग का ये पेज कितनी देर के बाद अपडेट होता है, ये सब कुछ जो है मैं इस वीडियो के अंदर तफसील से बताने वाला हूं। मैं हूं अब्दुल कयूम गुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंडिंग क्या है। ट्रेंडिंग बेसिकली एक YouTube का अलग पेज है, पहले वो ट्रेंड के नाम से होता था, फिर ट्रेंडिंग हो गया, अभी एक्सप्लोर के नाम से देखें तो वो पेज है जिसके अंदर अलग अलग चैनल्स की वीडियो लगी होती है और हमेशा उन वीडियोस के ऊपर आप देखेंगे बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं। आमतौर पर ये वही वीडियोस होती हैं जो वायरल हुई होती हैं, यानी कि ये पक्का है कि जो वीडियो ट्रेंडिंग में आएगी वो वायरल लाजमी होगी, क्योंकि YouTube सिलेक्ट ही उन वीडियोस को करते हैं यहाँ पे लगाने के लिए जो वायरल होती हैं। अब जो सिलेक्ट कर ली गई और उसके अंदर लगा दी गई ट्रेंडिंग के अंदर, तो ये वीडियो ट्रेंडिंग में कितनी देर तक आएगी, तो YouTube का ये कहना है कि पेज 15 मिनट के बाद अपडेट होता है। अब ये जो पहले नंबर पे आ रही है ना ट्रेंडिंग में, वो जरूरी नहीं कि वो अगले 15 मिनट के बाद भी पहले नंबर पर रहे। 15 मिनट के अंदर देखेगा यूट्यूब के इसके ऊपर लोगों ने कितना क्लिक किया, कितने लोगों ने इसको देखा है। अगर लोग ज्यादा इसको नहीं देखते तो फिर अगले 15 मिनट के बाद हो सकता है ये नीचे चली जाए, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर जा सकती है और ट्रेंडिंग के टॉप पर कोई और वीडियो आ जाएगी, और ट्रेंडिंग पेज के ऊपर 50 से लेकर 100 वीडियो होती हैं। अब बात करते हैं कि YouTube के हर चैनल की वीडियो ट्रेंडिंग में आती है या नहीं, तो YouTube ये कहता है कि तकरीबन 50% जो चैनल हैं उनकी कभी ना कहीं कोई ना कोई वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाती है, और ये उनको खुद नहीं पता होता कि जो उन्होंने वीडियो बनाई है वो कभी ट्रेंडिंग में जाने वाली है। अब जब ट्रेंडिंग में चली जाती है तो यूट्यूब क्यों देख के वीडियो को ट्रेंडिंग में लगाता है। आपको एक बात और बता दूं कि जितनी वीडियो ट्रेंडिंग में आती है वो मैनुअली लगी होती है यूट्यूब की तरफ से। अभी थोड़ा बहुत कहा जा रहा है कि इसको एल्गोरिथम की मदद से लगाया जा रहा है, पहले सारी की सारी मैनुअल लगाई जाती थी ट्रेंडिंग के अंदर। खुद एक बंदा देखता था, वो देखता था कौन सी वीडियो आज ज्यादा जा रही है और उसको ट्रेंड में लगा देता है। ट्रेंड बेसिकली ऐसा है कि फर्ज कर लें कि आज कोई कंट्रोवर्शियल चल रही है चीज, यानी कोई ना कोई ऐसा टॉपिक सामने आया हुआ है जो कंट्रोवर्शियल है, या कोई ना कोई नई न्यूज ऐसी आई हुई है जो ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है, उसके ऊपर जितनी जितनी वीडियो बन रही है ना उनमें से 3-4-5 तो लाजमी ट्रेंडिंग में आ जाएंगी। ट्रेंडिंग में लाने के लिए वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाए, तो हमेशा उस टॉपिक को सिलेक्ट करें जो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आती है वीडियो। इसके अलावा बाकी कोई नहीं गैस कर सकता है कौन सी वीडियो आएगी कौन सी नहीं, लेकिन ये लाजमी आ जाएगी। और उसके बाद आप बात करते हैं टॉपिक की। बाज टाइम टॉपिक ऐसा होता है जो ट्रेंडिंग में जा रहा होता है, मसलन आप सुन रहे होंगे कि मुहर्रम के दिनों में इस्लामी चैनल जो होते हैं उनका टॉपिक ट्रेंडिंग में होता है, तो वो मुहर्रम के मुतल्लिक जो इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे या ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसका तल्लुक इस्लाम से होगा, तो वो वीडियो ट्रेंड में जाने के ज्यादा चांसेस है। जैसे हैप्पी न्यू ईयर के तौर पर जो वीडियो बनती है उन दिनों में व्लॉगिंग वीडियो जा सकती है, इंटरटेनमेंट की वीडियो जा सकती है, ईद के दिनों में भी इंटरटेनमेंट की वीडियो जा सकती है, बकरा ईद के ऊपर रेसिपी वगैरह की वीडियो ट्रेंडिंग में जा सकती हैं। तो ये तरीका वक्त का और आपने टॉपिक का ख्याल करना है कि किस वक्त कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा लोगों की नजर में, लोग ज्यादा ऐसी वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो YouTube कहता है आप ना करें तो आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाएगी, वरना जितने मर्जी व्यू आ जाएं आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाएगी। वो क्या चीजें हैं? YouTube वालों का ये कहना है कि ट्रेंडिंग में जाने के लिए जरूरी है कि आपकी वीडियो पर जितनी भी वीडियो है उसके अंदर कहीं पर कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी ना की गई, मिसलीडिंग ना की गई, मसलन टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह वो ऐसे ना लगाए गए जिनका वीडियो से तल्लक कोई नहीं है, आप बस उसको जो है ना घुमा फिरा के अपनी वीडियो को ज्यादा व्यूज ला रहे हैं। अगर ऐसा किया जा रहा होगा तब भी आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाएगी, बेशक उसके ऊपर वॉच टाइम अच्छा हो, उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट अच्छा हो, बेशक उसके ऊपर ऑडियंस अटेंशन अच्छा हो, जो मर्जी हो, क्योंकि अगर आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में जानी है ना, आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे, मिसलीडिंग नहीं करेंगे, टाइटल थंबनेल वगैरह सब कुछ ठीक बनाएंगे और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे, वीडियो के अंदर अच्छा कंटेंट डालेंगे, तो लोग इसको ज्यादा देर देखेंगे तो आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में जा सकती है। क्योंकि अगर ट्रेंडिंग की बात करते हैं, यूट्यूब ये कहता है कि जिस वीडियो के ऊपर एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा हो,
रिएक्शन ज्यादा हो लोगों का, उसके अलावा ऑडियंस अटेंशन ज्यादा हो, लाइक और जो शेयर रेशो ज्यादा हो, कमेंट्स ज्यादा किए जा रहे हो, ये सारी चीजें आ रही हो किसी वीडियो के ऊपर, तो उसके ट्रेंडिंग में जाने के चांसेस बड़े हैं। बेशक वो टॉपिक ट्रेंडिंग ना भी हो, अगर एक वीडियो इतनी चीजें अपनी तरफ जो ग्रैब कर रही है, खींच रही है, तो वो वीडियो यूट्यूब ट्रेंडिंग में लगा सकता है और वो वीडियो 15 मिनट तक ट्रेंडिंग में रह सकती है, 15 मिनट मिनिमम रहने को। तो कई वीडियो 10-10 दिन ट्रेंडिंग में रहती हैं क्योंकि वो लोग उसके ऊपर देखते जा रहे हैं, व्यू जो आ रहे हैं ट्रेंडिंग पेज से उसके ऊपर इतने व्यूज आ रहे होते हैं कि यूट्यूब वाले उसको ट्रेंडिंग से पीछे नहीं हटा रहे होते। ये चंद चीज है। अब लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम गूगल यूट्यूब को पैसे दे दें तो वो ट्रेंडिंग में लगा देगी वीडियो। नहीं भाई, पैसे दे के आप ट्रेंडिंग में नहीं लगा सकते। पहले आज से 2 साल पहले जो होता था कि आप गूगल एडसन के थ्रू जो एड गूगल एड के थ्रू जो व्यूज लेते थे ना, यानी यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो का एड चला के व्यूज लेते थे, तो अगर वो व्यूज ज्यादा आ जाते तो आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाती थी। लेकिन यूट्यूब ने अब ये रूल भी खत्म कर दिया है, आप जो पैसे लगा के व्यूज ले रहे होते हैं उससे भी आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती, अब ये क्लियरली यूट्यूब ने कहा हुआ है। तो ये सारी वो बातें थी जो ट्रेंडिंग को लेकर थी। अगर अभी भी आपके ख्याल में मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।